Hey guys, hello everyone and good morning to all of you. IE and IFS का पेपर ऑलरेडी देके आप आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छा हुआ होगा आपका पेपर। अब आपकी टेंशन चल रही होगी सर AFM में अगर हमें सेलेक्टिव प्रिपरेशन के लिए जाना है तो क्या करें, क्योंकि हमको PPB का पेपर भी प्रिपेयर करना है, तो कैसे हम बैलेंस करेंगे, कैसे हम मैच करेंगे, क्या हमको तरीका फॉलो करना है, कैसे हमें फॉलो करना है। सो उसके लिए मैं आपको आज एक पूरी गाइडलाइन देने वाला हूँ सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन सब को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम इवनिंग में शुरू हो रहे AFM के कैप्सूल बैच में। इसमें आप मुझे ज्वाइन कीजिए, PDY कोड जरूर यूज कीजिएगा, हाफ प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट भी करेगा। तो ध्यान रखिए कैप्सूल बैच एक सिस्टमैटिकली एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बैच है जहां पे एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स के अलावा और किसी भी टॉपिक पे बात नहीं हो, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात इसमें पूरी की पूरी होने वाली है। अगले 5 से 6 दिनों में पूरा आपका AFM का कोर्स जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और ये मेरे कुछ अकेडमिक और एक्सपीरियंशियल क्रेडेंशियल्स हैं जिन्हें मैं आज से बैच में आप लोगों के साथ पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करूँगा। जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस पर हम यहाँ बात करेंगे कैप्सूल कोर्स के अंदर। अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन पे भी 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, नॉन पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किस तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, वी विल डिस्कस इन डिटेल। अकाउंट्स के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए परचेज अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम उसके बारे में लेंगे ताकि हमको एक क्राइटेरिया मिले कि किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है। रूल्स, जर्नल एंट्री, डबल एंट्री के रूल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स हैं उस पर क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जर्नल के फॉर्मेट पे लगभग 2-3 बार अब तक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है LF, क्यों दिखाया जाता है LF को, कितने कॉलम होते हैं एक जर्नल के अंदर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो 2 से 3 नंबर एग्जाम में पक्का है, ये जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है 2 से 3 नंबर एग्जाम में आता ही आता है, तो इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। कैश बुक के अलग अलग टाइप है, इससे फिर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का एक स्पेसिफिक एडवांटेज क्या है, इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, पेटी कैश बुक्स क्या होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे कैश बुक के डिस्कशन में। फिर क्योंकि बैंक का एग्जाम है तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पे तो क्वेश्चन आना तय है कि मिसमैच को कैसे मैच किया जाए। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सस्पेंस अकाउंट के यूज को लेके और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के यूज को लेके आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है। और बैंक्स में ऑडिट के दौरान क्या क्या बातें की जाती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंपनीज एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट को लेके क्या क्या कहते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कैप्सूल बैच में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक टॉपिक लिस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। जैसे डेप्रिशिएशन की मैथड्स पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाना है, कन्फर्म है। बैलेंस शीट की इक्वेशन के ऊपर 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, सीधा सीधा मार्क्स मिलता है। आज इवनिंग में पूरा कैप्सूल बैच में आज इवनिंग में हम एक पूरा सेशन करने वाले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे बात होगी,
तो प्लीज एडवांस में कैप्सूल बैच को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिल रहा है और ये इतनी सी कॉस्ट आपको आपका एग्जाम क्रैक कराने में बहुत मदद करने वाली है। फिर कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उस पे आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। आप कह सकते हैं मॉड्यूल बी का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और कुछ जर्नल एंट्रीज भी आपको याद करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपको एक ट्रांजेक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, बताइए कैश फ्लो में ये किस कैटेगरी में जाएगा, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बैंकिंग कंपनीज जो अकाउंट्स बनाती हैं इसमें लगभग 17-18 फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स को किस तरीके से याद करना है उसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा इवनिंग में। फिर मॉड्यूल सी पे जब हम जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स की बौछार शुरू हो जाएगी, एन्यूटीज, एन्यूटीज में भी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एक सिंगल फॉर्मूले से कैसे चारों फॉर्मूले याद किए जा सकते हैं उसकी ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा। रेशियो एनालिसिस पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है, 50 तरीके के रेशियो होते हैं, उसमें से कुल सेलेक्टिव 10 रेशियो और उन्हें भी याद करने का आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो हम कैप्सूल बैच जो है वो एक, जिसको कहते हैं ना, एक परफेक्ट गेटवे है कि हमको अब अगले 6 दिन में अकाउंट्स और फाइनेंस में एक्सपर्ट नहीं बनना, मुझे अगले 6 दिन में सर वो चाहिए जिससे मेरा 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर का क्राइटेरिया क्रॉस हो जाए, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो मैं इस बैच में आपको करवा दूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने पिछली बार एग्जाम दिया है आप लोगों का और इस एग्जाम को देके मुझे जो IIBF का प्रस्पेक्टिव समझ में आया उसके बेसिस पे आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस क्राइटेरिया और किस लेवल तक जाके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की उम्मीद बनाए बैठे हैं। तो हम उतना लेवल जो है सारा कवर इसमें करेंगे। YTM बॉन्ड वैल्यूएशन कंसेप्ट भी है, थोड़े न्यूमेरिकल भी है, कवर करेंगे हम बैच में, जैसे बॉन्ड के ड्यूरेशन और बॉन्ड के प्राइजेस के बीच के रिलेशंस के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन तय है एग्जाम में, कंफर्म आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके ऊपर। फिर फॉरेक्स की ट्रेडिंग को लेके कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उन टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हमको फ्यूचर, फॉरवर्ड, टर्म रेट, रेडी रेट, फॉरवर्ड रेट, प्रीमियम क्या होता है, इन सारी बातों को हम वन लाइनर्स के थ्रू समझेंगे, एज इट इज एग्जाम में आपको देखने को भी मिलेगी। ऑप्शंस को कैसे याद करना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ टर्म्स हैं उनको बहुत आसान भाषा में समझेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगेन फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल टॉपिक है, सेलेक्टिव प्रिपरेशन करेंगे और कंसेप्ट्स को भी समझेंगे। कैपिटल बजटिंग देखने में बहुत बड़ा टॉपिक दिखता है लेकिन जब मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है तो कुल टोटल 5 या 7 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, उन सबको हम लोग कैप्सूल बैच में सिस्टमैटिकली कवर करने वाले हैं। फिर बात आती है वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर एक टंडन कमिटी का रिपोर्ट है, उसको हम डिटेल में करेंगे क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर के लिए ही बनाया गया है, तो उसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी विल लुक इनटू इट। फिर इनकम टैक्स के अंदर जो डिडक्शन, अब मॉड्यूल डी पे हम आ गए, मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, TDS पे एक क्वेश्चन आपको आएगा और कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इनकम टैक्स में मिलने वाले डिडक्शंस के ऊपर आएगा, जैसे पिछली बार 80 TTA आपसे पूछा गया था, 80E आपसे एग्जाम में पूछा गया था, 80C आपसे एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी डिडक्शन से कम 3 क्वेश्चन तो आप मिनिमम पकड़ के चलिए, सबको हम सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। फिर GST के कुछ बेसिक कंसेप्ट, क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, बैंक्स में अकाउंट लिंक सर्विसेज और नॉन अकाउंट लिंक सर्विसेज में GST का क्या ट्रीटमेंट होता है बैंक्स के अंदर, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। GST के रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, इस तरीके से करेंगे कैप्सूल बैच में कि आपको बस एग्जाम में क्वेश्चन दिखते ही क्लिक हो जाएगा, अरे ये बात तो हमने अभी 2 दिन पहले क्लास में की थी, उस पैटर्न में प्रिपेयर करने वाले हैं।
मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मूले पे बेस्ड पूरा टॉपिक है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ इसका कंपैरिजन आपके सिलेबस में है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को भी, और मार्जिनल कॉस्टिंग कम से कम 2-3 मार्क्स आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया, सो उसी सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड है, कुल टोटल 5 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, उससे एग्जाम में आपको 2 मार्क्स का पेपर देखने को मिल जाएगा। फिर बजटिंग एक आपके सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। बजटिंग में हम जीरो बेस बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग और जितना भी बजट्स के टाइप होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। वहां से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। कई बार IIBF यहाँ से एक आध क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन मुझे याद आता है पिछली बार का जो नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट हुआ था आप लोगों के लिए, अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर, तो अचानक से IIBF ने बजटिंग वाले टॉपिक से 4 मार्क्स का पेपर पूछ लिया। तो आसान टॉपिक है, लेकिन कभी किस्मत अच्छी हो तो बहुत स्कोरिंग भी हमारे लिए ये बन जाता है। इसी सिस्टमेटिक अप्रोच से इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके अलावा जो भी इवन आपके बुक से कोई सिंगल लाइन से भी क्वेश्चन बनता होगा, उन सभी सिंगल लाइनर्स को हम हमारे कंटेंट में कवर करते हुए अगले 5 से 6 दिनों में इस कैप्सूल बैच में प्रिपरेशन करने वाले हैं। सो कैप्सूल बैच एक परफेक्ट एग्जिट है आपके लिए, आराम से अगले 5 से 6 दिन की प्रिपरेशन में आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो ऑलरेडी एक बार पूरा कंटेंट पढ़ चुके हैं उनके लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट मौका है बिना टाइम गवाए सिस्टमैटिकली अपना रिवीजन करने के लिए। और जिन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा है, सर हमने तो अकाउंटिंग और फाइनेंस को हाथ भी नहीं लगाया है, ये बैच उन लोगों के लिए भी एक संजीवनी बूटी की तरह है, इसीलिए मैं इसे संजीवनी बैच भी कहता हूँ। अगर वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी अगर इस बैच को सिर्फ अटेंड कर लेंगे तो आप अपना एग्जाम AFM पेपर क्रैक कर लेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। कोड याद रखिएगा, PDY कोड, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा और आप मेरे साथ कनेक्ट भी इसके थ्रू होंगे। तो याद रखिए, ज्वाइन कीजिए और इसे एडवांस में सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम बैच लाइव बैच में जा रहे हैं उस वक्त आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो फिर वो एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एडवांस में इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत ही नॉमिनल 600-700 रुपये की कॉस्ट पे आपको ये मिल जाएगा, 100 रुपये डेली का भी आपको कॉस्ट इसमें नहीं आ रहा। मैं तो कॉमर्स का आदमी हूँ, नंबर्स में बात करता हूँ, 100 रुपीज डेली के इन्वेस्टमेंट पे आप अपना AFM का पेपर क्रैक कर सकते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। इवनिंग में बैच में मिलते हैं एंड कवर करते हैं पूरा AFM अगले 6 दिनों। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू।